आज की हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे फॉर्मूलेज की। तो जनरली हमने ये फॉर्मूला लोगों को किया था, इससे आगे हम करेंगे। तो यहाँ हम बात करेंगे आपके साथ रेफरेंसेस फॉर्मूला। सबसे पहले बात करें कि रेफरेंसेस फॉर्मूला होता क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक फॉर्मूला है रो का, कॉलम का। तो ये जो रो एंड कॉलम जो देते हैं वो नंबर्स में देते हैं। तो अगर आपके पास रो नंबर 1 आ गया और कॉलम नंबर भी 1 आ गया, या मान लीजिए कॉलम नंबर 5 आ गया, इसका एड्रेस क्या होगा? एड्रेस क्या होगा? तो एड्रेस के लिए हम यहां पर लगाएंगे फॉर्मूला एड्रेस का, कि रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 5। अच्छा, इसको एंटर प्रेस करेंगे तो एंटर प्रेस करते हैं, आपको यहां दिख रहा है E1, E1 दिख रहा है। अब E1 जो आया यहां, अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे E1 से क्या लेना देना, नंबर नहीं चाहिए, मुझे E1 की वैल्यू चाहिए ना। E1 पे क्या फॉर्मूला टाइप है उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू चाहिए। तो यहीं पे काम करता है हमारा इनडायरेक्ट का फॉर्मूला। अब इनडायरेक्ट फॉर्मूले को समझ लीजिए, क्योंकि इनडायरेक्ट जो है होता क्या है, इस चीज को एक बार समझ लेते हैं। तो बेसिकली इनडायरेक्ट फॉर्मूला आपके करेक्टर को रिफरेंस में कन्वर्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि यहां पे मैंने कुछ वैल्यू लिखा हुआ है, तो आप अगर इक्वल A1 करते हैं तो वैल्यू शो कर जाएगी। लेकिन आप बोलते हैं कि मैंने A1 यहां लिखा हुआ है और इस A1 को लेके वो वैल्यू दे दे, तो एक्सेल नहीं समझेगा कि I3 पे लिखा हुआ वैल्यू A1 एक टेक्स्ट है या एक सेल का एड्रेस है। वो सेल का एड्रेस कभी नहीं समझेगा, वो क्या समझेगा कि इन्वर्टेड में दी कॉमा में दिया गया एक वैल्यू है और उसी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। इनडायरेक्ट क्या करता है कि इसी चीज को कन्वर्ट कर देता है रेफरेंस में। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि आपने ए कहीं और से लिया है, मान लीजिए ए यहां से लिया, 1 यहां से लिया, फिर आपने कॉन्कैटेनेट करके इन दोनों को कंबाइन करके एक एड्रेस बनाया, बट प्रॉब्लम हुआ कि एड्रेस आपका काम ही नहीं कर रहा है, तो इनडायरेक्ट यहाँ पे आपको सपोर्ट देता है। अब इस चीज को समझिए यहाँ पे कि इनडायरेक्ट का और क्या हो सकता है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूं मैं आपको। तो मेरे पास यहाँ आप देख पा रहे हैं एक डेटा है, एक टेबल फॉर्मेट में। सबसे पहले इसको कन्वर्ट टू रेंज कर देता हूँ टेबल फॉर्मेट में। निकिता जी ध्यान से देखिएगा, आपकी प्रॉब्लम ये है। तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे क्वार्टर, यहाँ पे नेम देता हूँ, मुझे यहाँ क्वार्टर 1 का डेटा चाहिए, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, इस तरह का डेटा चाहिए। तो प्रॉब्लम यहाँ पर है कि आपका यहाँ जैन फैब मार्च दिख रहा है, जैन फैब मार्च आपको दिख रहा है। अभी जैन फैब मार्च का मुझे तीनों का टोटल चाहिए, जैन से मार्च का टोटल चाहिए। अगर मैं पूजा टाइप करता हूं तो कैसे करूं तीनों का टोटल, यहाँ पे मुश्किल है। तो यहाँ पे हम लोग एक मेथड अपनाते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ चूज का फॉर्मूला लगाता हूँ। चूज फॉर्मूले से मैंने यहाँ बोला कि चूज, और यहाँ हमने बोला कि भाई जैन आ जाए, 1 हो तो, 2 हो तो मैंने बोला अप्रैल आ जाए। तो हर क्वार्टर का फर्स्ट मंथ यहाँ पे जुलाई और अक्टूबर,
यहाँ क्या होगा, वन आएगा तो जैन, टू आएगा तो अप्रैल, थ्री आएगा तो जुलाई, फोर आएगा तो अक्टूबर। अब यहाँ सर एक देखो, बार रिपीट करेंगे क्या? मेरा कनेक्शन चला गया था, मतलब टेबल के नीचे ही। मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया इसका। मुझे क्या करना है कि मैं अगर यहाँ पे वन लिखूं तो यहाँ पे जैन आए, टू लिखूं तो फाइव आए, थ्री लिखूं तो जुलाई आए, इस तरह से। मतलब कि जैन पे पहले क्वार्टर का वन आना चाहिए, मैं पहले वन पे, दूसरे क्वार्टर का फर्स्ट मंथ, तीसरे क्वार्टर का फर्स्ट मंथ, चौथे क्वार्टर का फर्स्ट मंथ। तो इसके लिए मैंने चूज लगाया। चूज सर फॉर्मूला क्या कनेक्शन करता चलाएगा। है, इस चीज़ को जान लीजिए। चूज फॉर्मूला इसको लेता है, अगर B14 पे वन हुआ तो जैन शो करेगा, B14 पे टू हुआ तो अप्रैल शो करेगा, B14 पे थ्री हुआ तो जुलाई शो करेगा। तो इसको हम इफ से भी कर सकते थे, लेकिन इफ से जो हमारा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता, इसलिए। ये आपका यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला हम लगाते हैं मैच का। मैच फॉर्मूला, इसको सेलेक्ट किया और अपने डेटा ऊपर हेडिंग को सेलेक्ट किया। तो मैच फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी सेल वैल्यू को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लुकअप करता है और रिजल्ट आपके सामने देता है। इसने बताया कि जुलाई जो है 8वें नंबर कॉलम पे है। जुलाई कहाँ पर है? 8वें नंबर कॉलम पे है। तो इसने 8वां नंबर कॉलम यहाँ पे शो कर दिया। और फिर वापस मैं यहाँ पे मैच का फॉर्मूला लगाया और पूजा को वर्ड के मतलब रो वाइज मैंने यहाँ सर्च कर लिया। इस मैच ने क्या बताया कि पूजा का रो नंबर क्या है। तो मेरे पास वन नंबर रो और एट नंबर कॉलम है। तो हम यहाँ एड्रेस फॉर्मूला लगाएंगे, तो एड्रेस फॉर्मूला से मुझे क्या मिल जाएगा, सेल का एड्रेस। लेकिन मुझे तो H1 मिला ना, मुझे तो H1 से लेके J1 तक चाहिए। तो एक बार और यहाँ एड्रेस का फॉर्मूला लगाएंगे, रो नंबर और कॉलम नंबर। कॉलम नंबर इस बार +2 करते हैं, क्योंकि तीन तीन जो है हमारे कॉलम यहाँ पे, तो D14 + 3 यहाँ पे आया और फिर यहाँ पे एंटर कर। लेकिन जब फॉर्मूला हम लगाते हैं, कोई भी जैसे सम वगैरह देते हैं, एड्रेस लगाते हैं, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अगर मैं एस से लेके जे तक इस तरह से लिखना होगा ना हमें, क्या अगर मैं यहाँ पे J2, J2 कर दूंगा तो उसी का दोनों का देगा, फिर ये I2 को छोड़ देगा। तो कैसे करें? सबसे पहले तो हमने इसको ऊपर से लेना है ताकि रो नंबर टू दिखे। तो इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे एंड परसेंट लगा के ऐसे, और इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद रिजल्ट आ गया H2 से J2। पर प्रॉब्लम वही है कि अगर मैंने सम के अंदर में इसको सिलेक्ट करके एंटर मारा तो रिजल्ट आएगा 0। क्यों 0 आया? क्योंकि एड्रेस यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे एड्रेस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि टेक्स्ट। तो यहां हमें इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगाना हो, बिना इनडायरेक्ट फॉर्मूले को हम इसको यूज नहीं कर सकते। समझे अतीश जी? समझ में आया आपको इनडायरेक्ट फॉर्मूला का रोल? यस सर, यस सर। अब इसको अब एक जगह पे कंबाइन कर देते, क्योंकि तो हम फॉर्मूला मर्जिक में था, हमने डिस्कस किया था, उसी का यूज करेंगे और एक एक कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करते चले जाएंगे। इसको कॉपी किया, यहाँ D14 यहाँ भी है और D14 यहाँ भी। तो मतलब अब इन दोनों को मैं डिलीट कर दूंगा तो मेरा कुछ
कोई फॉर्मूला चेंज नहीं। फिर मैच का फॉर्मूला हमारा लगा है, मैच मैच का फॉर्मूला यहाँ भी है B15, सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, यहाँ भी B15 है सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। अब इन दोनों को इसको डिलीट कर सकते हैं। फिर इसको लिया मैंने, कॉपी किया और यहाँ C15 है उसके जगह पे पेस्ट कर, और यहाँ भी हमारा C15 है कॉपी किया इसके जगह पे D15 के जगह पे पेस्ट कर। अब मैं इन दोनों को डिलीट कर सकता हूँ और फिर इसको लिया पूरे सेल को कॉपी और यहाँ पे इसको पेस्ट कर, और इसको मैंने डिलीट कर। अब इसको कट कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर, आ गया रिजल्ट। अब यस सर, यहाँ पे अजय जी दिख पा रहे हैं आप? जी सर दिख, अब इतना लंबा फॉर्मूला लगा पाते हैं आप? नहीं सर। देखिए हमने क्या किया, टुकड़ों में अलग अलग सेल पे लगाया, फिर उसको हमने क्या किया कंबाइन। इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मर्जिंग मेथड, मतलब कि फॉर्मूला को स्प्लिट कीजिए और इकट्ठा यूज कीजिए। अब इनडायरेक्ट का एक इसमें ही यूज नहीं है, और भी यूज है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सीट है, राइट, यहाँ मेरे पास दिल्ली का डेटा है और मान लीजिए यहाँ मुझे मुंबई का डेटा है, ठीक है, दो अलग अलग सीट पे दो अलग अलग डेटा है मेरे पास। तो मैंने यहाँ पे नेम, यहाँ पे क्वांटिटी कर दिया, इसको सेलेक्ट किया कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर, इसको भी कॉपी करके मैं इसको वैल्यू पेस्ट कर दूँ। तो दो अलग अलग सेल जो आप देख पा रहे हैं, अलग अलग डेटा। तीसरे सेल पे मैं यहाँ बोलता हूँ कि सेलेक्ट, और डेटा वैलिडेशन का यूज मैं यहाँ डेटा पे करूँगा और लिस्ट बना दे, यहाँ पे DL, MH एंड ओके। अब यहाँ देखिए DL सेलेक्ट करेंगे तो DL सेलेक्ट आएगा, MH करेंगे तो MH आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से डेटा या यहाँ से डेटा उठ के आ जाए, ठीक है, तो कैसे उठ के आएगा? तो जाहिर सी इसके लिए हम लिंक भी कर सकते हैं या ऑफसेट भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैंने मान लीजिए कि ऑफसेट लगा लिया। ऑफसेट में DL हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और कॉमा जीरो दे दिया, कॉलन भी जीरो दे देता हूं। तो ऑफसेट से भी ला सकते हैं या नॉर्मली इसको इस तरह से लिंक करके भी ला सकते हैं। और आपने नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, और यहां भी ट्रैक्टर आ गया। तो प्रॉब्लम ये है कि इससे कैसे लिंक हुआ, इसलिए मैंने ऑफसेट बता रहा था, क्योंकि फिर आपको N1 जहां जहां DL है ना पूरा फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा, सबको चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पे हम ऑफसेट का यूज करेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि ऑफसेट में हम किसी एक ही सेल को सेलेक्ट करेंगे जो कि होगा A1 DL A1 0 0, और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और A1 को करेंगे फ्रीज। अब नीचे जब मैं ड्रैग करूंगा तो ये यहाँ जो जीरो था रो, ये हो जाएगा हमारा 1। फिर इसके नीचे ड्रैग करेंगे तो ये जो हो जाएगा हमारा 2। मतलब कि मैं कहीं पे अगर सीक्वेंस दे दूं 0 1 2 इस तरह से, तो ऑफसेट में हम उसको लिंक कर सकते हैं। यहाँ ये जो हमने 0 मैनुअली लिखा हुआ है ना, इसके जगह पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको हम
नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो मुझे यहां लिखना पड़ रहा है ना, तो आपके पास एक रो फॉर्मूला होता है। रो फॉर्मूले में आप लगाते हैं, इसके अंदर कुछ रेफरेंस नहीं देते हैं, तो रो नंबर देगा। अगर मैं इस रो नंबर में -4 कर दूं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से नंबर आएगा जो कि मैं यहां चाहता हूं। अब ये रिजल्ट फॉर्मूले से आ रहा है, तो अब यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं। मैंने यहां पे लिखा रो और यहां पे -4 करके, और फिर इसको डिलीट कर देता हूं और नीचे तक इसको ट्रैक नेम आ गया। अब सेम फॉर्मूला मैंने यहां उठाना है और यहां पे पेस्ट करना है। यहां पे जस्ट 0 है, इसको 1 कर देना, मतलब कि अगली कॉलम, और नीचे की तरफ ड्रैग कर दे। देखिए अभी भी मेरा ये डेटा मेरे इससे लिंक नहीं हुआ, तो आप देखिए अपने फॉर्मूला को देखिए। फॉर्मूला क्या है? डीएल ए वन। अब ए वन तो सब में फिक्स है, डीएल ही है ना, एमएच दो अलग अलग शीट्स है। तो आपको यहां पे क्या करना है कि पहले वाले को सिलेक्ट कर लेना, एन परसेंट और इन्वर्टेड कॉमा में बाकियों को डाल देना। प्रॉब्लम वही है कि अब ए क्या हो गया, ए एन परसेंट लगने के बाद टेक्स्ट हो गया। क्या हो गया? टेक्स्ट। तो इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम इनडायरेक्ट फॉर्मा लगाएंगे, ताकि ये जो टेक्स्ट जो है रेफरेंस में कन्वर्ट हो जाए। अब इसको नीचे की तरफ मैंने, एक मिनट, हमें फ्रीज नहीं किया था, माफ कीजिएगा, P3 को फ्रीज करना और इसको नीचे तरफ ड्रैग। और सेम फॉर्मूला आप आइए कॉपी करके इसके बगल में रख दीजिए और यहां 1 दे दीजिए, रिजल्ट आएगा। अब वो कनेक्टेड है आपके इस सीट से, डीएल एमएच। हाँ, इस नाम का अगर सीट अवेलेबल नहीं है तो यहां पे एरर आएगा, तो आप उसको इफ एरर से ब्लैंक कर सकते हो, मैसेज दे सकते हो। एक प्रॉब्लम और भी होगी, अगर इसके बीच में स्पेस हुआ तब स्पेस कर दिया, अब यहां एमएच पर ठीक है लेकिन डीएल पे आपको एरर दे। आप बोलोगे कि मुझे यहां इसके अंदर भी स्पेस कर देना चाहिए, तो चलिए करके देखते हैं। डेटा में वेरिएशंस, डीएल के अंदर मैंने यहां स्पेस कर दिया, ओके। अब मैं यहां से डीएल को सिलेक्ट करता हूं, अभी भी नहीं आया क्योंकि दोनों सेम है ना। देख क्या होता है, जब आपके सीट नेम में रेफरेंस होता है, एड्रेस होता है, तो आपका सीट का रेफरेंस कुछ इस तरह से होता है, दिख रहा है? तो मुझे क्या करना होगा कि अपने फॉर्मूले में सिटी नेम से पहले इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डालना होगा, एन परसेंट अब आ गया। समझा दी जी? यस सर। निकिता जी, समझ में आया आपको इनडायरेक्ट का फंक्शन? जी सर। तो इनडायरेक्ट का यूज हम मोस्टली मैं यूज करता है, हालांकि इसमें एरे में इसका अच्छा खासा यूज है, लेकिन अगर ऐसे बात करें तो आपके पास अगर बहुत सारे शीट्स हैं और आप ऑप्शन देना चाहते हैं कि फलां शीट, सेकेंड शीट, फर्स्ट शीट, सेकेंड शीट, दिल्ली का, पुणे का, दिल्ली का, पुणे का, तो उस केस में आप जो है इनडायरेक्ट का इस मेथड का यूज कर सकते हैं, ताकि शीट नेम को या एरिया नेम को वो एक तरह से ले लें। ओके, इनडायरेक्ट का यूज यहाँ पे आता है। बैक टू टॉपिक, अब मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको और बताया रो का। तो रो फॉर्मूला में बताया कि जिस सेल में आप लगाते हैं उस सेल का रो रेफरेंस देता है। अब यहाँ पे एक चीज और भी है कि अगर मैं यहाँ पे सेम सीक्वेंस नंबर मैनुअल जनरेट करता हूँ, अब जो कि आप देख पा रहे हैं, तो अगर मैं मान लीजिए 20 से डिलीट किया, मैंने 6, 7, 9 को यहाँ से डिलीट कर दिया,
तो देखिए जो मैनुअल था उसका सीक्वेंस बिगड़ गया, लेकिन यहां सीक्वेंस कंटिन्यू रहा। तो इसका यूज वहां भी होता है। उसी तरह से हमारे पास कॉलन का फॉर्मूला है कि कॉलन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने कॉलर नंबर दे दिया, जिस सेल में लगाओगे उस सेल का कॉलर नंबर आ जाएगा, अदरवाइज उसका जिस इसके अंदर किसी का रेफरेंस देते हो तो उसका आ जाता है। और यहाँ एक चीज और भी होता है कि जब आप कॉलम्स एंड रो फॉर्मूला भी एक होते हैं, रोज एंड कॉलम्स, रोज जितना रोज सेलेक्ट करोगे उतना आएगा, और यहाँ पे कॉलम्स जितना कॉलम्स आप सेलेक्ट करोगे उतना। तो कॉलम्स एंड रो भी इसका यूज हम करते हैं। अब इसका यूज क्यों होता है, चलिए इसके बारे में हम आपके साथ बात करते हैं। जैसे मेरे पास एक डेटा है नेम, ध्यान से देखिएगा, इसमें भी इनडायरेक्ट का यूज होगा, नेम, अब मुझे जो लास्ट नेम रवि है ना, यहाँ मैं चाहता हूं कि जो भी टाइप करूं उसकी जो लास्ट नेम है वो यहाँ पे आना चाहिए, लास्ट नेम यहाँ पे आना चाहिए। तो उस केस में क्या करें, तो उस केस में मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा ए एंड परसेंट। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है काउंट ए, काउंट ऑल, जो कि नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है। तो काउंट ए, और हमने सेलेक्ट कर ली अपनी वैल्यू, ये दिखा दिया 8 18। मैं यहाँ पे नाम डालता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ओम डाल दिया, A19। अब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ इक्वल इनडायरेक्ट के अंदर डाल दें। ठीक है, तो जैसे जैसे आप यहां लास्ट डालेंगे वहां यहां पे आएगा, तो ये हमारा इनडायरेक्ट फॉर्मूला। अब अगला जो फॉर्मूला हमारा है वो फॉर्मूला है क्या बोलते हैं उसको, हाइपरलिंक फॉर्मूला। अब जैसे इसी की हम बात कर लेते हैं, अब यहां पे मैं स्पेस हटा देता हूं, ठीक है, आ रहा है यहां पे सब कुछ। तो मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने डीएल दिया तो मुझे यहां पे एक लिंक बन जाए, क्लिक, मैं इस पे क्लिक करूं, क्लिक करते हैं मैं डीएल वाले शीट पे चला जाऊं। जैसे क्लिक करूं, अगर एमएस लिखूं तो मुझे एमएस वाले शीट पे चले जाऊं। मतलब मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट शीट्स हैं और शीट्स के नाम में यहां लिखूं और ये मुझे यहां हाइपरलिंक बना के दे। कैसे करें, देखिए जब भी आप कोई लिंक करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने राइट क्लिक किया और यहाँ पे आपको लिंक पे गए और आपने सेलेक्ट किया यहाँ पे सेम प्लेस, तो जब इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये आपका क्या बन के आ रहा है, डीएल ए, ठीक है। आपको अब इसको एडिट हाइपरलिंक करेंगे इसमें नहीं आ रहा है, बट उसमें आता है, मतलब कि मुझे हाइपरलिंक का एक फॉर्मूला होता है, इसमें हम लिख देते हैश डीएल स्लैश A1। इस एड्रेस को अगर हाइपरलिंक के अंदर डाल दें, अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए डीएल के वन पे चला गया, बल्कि रेट में मैं इसको यहाँ से एमएच करूंगा तो एमएच पे जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, तो हैश तो होगा ही होगा,
हैश को रखते हैं, एन परसेंट डीएल जो है हमारा वो डीएल सेल रेफरेंस आना चाहिए। तो इस डीएल को हम यहां सेलेक्ट सामने इक्वल लगाना पड़ेगा, इक्वल और डीएल को मैं यहां से ले, फिर एन परसेंट इसको सेलेक्ट किया और यहां सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस कीजिए। अब यहां डीएल के जगह पे मैं यहां पे एमएच करता हूं, तो अब मैं जाऊंगा एमएच एमएच ए वन पे। समझे सर हाइपरलिंक फॉर्मूला? हेलो। अब कभी कभी क्या होता है कि मुझे डेटा को वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दिखाना, तो आप लोग सर इसके लिए तो हम पेस्ट स्पेशल यहां पे ट्रांसपोज का यूज कर लेते हैं, पर ट्रांसपोज लिंक नहीं करता है। आपके पास एक ट्रांसपोज नाम का फॉर्मूला होता है। अब ट्रांसपोज फॉर्मूले को यहां लिखें, सेलेक्ट करें और एंटर प्रेस करते हैं, तो देखिए आपका ट्रांसपोज हो जाता है। और विथ लिंक कि कल के डेट में अगर यहाँ चेंज हो रहा है तो आपका वहां भी चेंज हो, तो ट्रांसपोज यहाँ पे इस तरह से वर्क करता है। तो फॉर्मूला मेनू बार के रेफरेंसेस एंड कैटेगरी में ये चीजें थी। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले भी हैं, लेकिन ये सारे फॉर्मूले हमारे लुकअप कैटेगरी के, तो लुकअप कैटेगरी के फॉर्मूले को हम अगली क्लास में आपके साथ डिस्कस करें। ठीक है आतिश जी? यस सर। तो अगली क्लास, क्योंकि लुकअप कैटेगरी फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इम्पोर्टेंट है, हमें उसकी जरूरत पड़ती है, तो ये चीजें हम अगली क्लास में आपके साथ कवर करेंगे।